गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई, मामू विराज की सुबह हो गई है और ये अपनी नानी के घर आए हैं आज और इनके किसान बन गए हैं, यहाँ आके खेत खोद रहे हैं। तो अभी कितनी देर खेत खोदते हैं देखते हैं, फिर इनके नाई नाई करवाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या मस्तियाँ करते हैं आज दिन भर में। विराज क्या कर रहे हो आप? खेती कर रहे हो? खेती कर रहे हो? यहाँ बिल्ली छुपी हुई है विराज की डर से और विराज चारपाई के नीचे चला गया। अभी पिट्टी कर देगी वो बिल्ली, देख कैसे आ रही पिट्टी करने के लिए। पिट्टी कर देगी बिल्ली, वहां चली गई है बिल्ली। ये बिल्ली का घर है, इसके अंदर तो बिल्ली पिट्टी कर देगी, वहां नहीं घुसते। नो कट्टू कर देगी बिल्ली बाबू। विराज बिल्ली को पकड़ने के लिए इसके अंदर ही चला गया चारपाई के अंदर। अभी बिल्ला मामा जी का चप्पल लेके आ गया है और विराज की नजर बिल्ली पे अभी तक नहीं पड़ी है, वरना विराज बिल्ली को नोचने के लिए आ जाता। और इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो रही है आजकल, दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं। लेकिन इस बिल्ली की एक खतरनाक बात ये भी है कि ये कभी कभी पंजा भी मार देता है और कभी कभी कट्टू भी कर देता है। तो विराज को हम थोड़ा सा इससे दूर रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये कभी कभी मस्ती में पंजा भी लगा देता है। अभी तक तो खैर विराज बचा हुआ है इसके पंजे से, लेकिन ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बिल्ली जा रही है वहाँ वहाँ विराज जा रहे हैं और इनको बहुत मज़ा आ रहा है आपस में खेलने में। किसकी आवाज आ रही है? पैरट की। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं और पैरट की और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो विराज उनको ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि चिड़िया कहाँ है। मिली विराज चिड़ियाँ और आसमान में हल्के बादल भी हैं, सूरज साफ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी शाम होने को आई है और विराज ने आज बहुत मस्ती की, दिन भर खेले, इधर उधर दौड़े भागे, अभी थक भी गए हैं। अब इनको छत में से अंदर लेके जाते हैं और इनके मामा जी ने इनको एक बेहतरीन गिफ्ट दिया है, तो विराज उसमें अब पढ़ना लिखना सीखेंगे। ये है इनकी डिजिटल स्लेट जो इनके मामा जी ने इनको दी है और इन्होंने सीख भी लिया है कि कैसे डिजिटल स्लेट को इस्तेमाल करते हैं। और अच्छी बात यह है कि विराज इसमें बहुत कुछ कर पा रहा है, जो जो ये अपनी नोटबुक में करता था वो सारी चीज़ें इसमें कर पा रहा है और इसने बहुत जल्दी इसको इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। और अब विराज थोड़ी देर डिजिटल स्लेट में पढ़ाई करेंगे और फिर इनको निन्ना करवाते हैं। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। अगर आप विराज जोशी ब्लॉग्स में नए हैं तो विराज जोशी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।